हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। जब भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि 24 आवर्स भी कम हैं, क्योंकि सेल्फ केयर, फैमिली केयर, हाउस चोर्स, खुद की हॉबीज़ और ना जाने कितनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी फेस करते हैं। लेकिन देखा जाए तो सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, और कुछ लोग इसी टाइम को इस तरह से यूज़ करते हैं कि सब कुछ करने के बाद उनके पास काफ़ी फ्री टाइम बच जाता है और कुछ के लिए ये टाइम कम पड़ जाता है। सो इट्स ऑल अपॉन यू, आइदर यू वेस्ट और यूज़ दीज आवर्स परफेक्टली। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और अपने टाइम को वेल मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको श्योरली सीखना चाहिए, ताकि हम डेज को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। और याद रखें, एक एक दिन प्रोडक्टिव होता है तो लाइफ प्रोडक्टिव होती है। डेली मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें करती हूँ जो मुझे मोटिवेट और मेरे दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव रखती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। आई प्लान माई डे नाइट बिफोर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स और वर्किंग पर्सन्स के लिए ही प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि हमारे जैसी हाउसवाइफ्स भी अपने वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने छोटे बड़े हर काम को रिटर्न में प्लान कर सकती हैं, जिससे कि लेस टाइम में हम मैक्सिमम काम ख़त्म कर सकती हैं। चीज़ों को लिखने से मुझे अपने माइंड को डीक्लटर करने में हेल्प मिलती है, और मैं अपने हर काम को क्लियरली देख सकती हूँ, जो मुझे अगली प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। एक मिनट की प्लानिंग हमारे 10 मिनट सेव करती है। हमेशा रात को सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के लिए एक टू डू लिस्ट रेडी करें, और अगर आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने में सक्सेसफुल रहे, देन श्योरली आपका दिन प्रोडक्टिव होगा। और खाने में कब क्या बनेगा और किस एरिया की क्लीनिंग आज करनी है और किसकी कल, उसका जो स्ट्रेस हर वक्त माइंड पे रहता है वो भी नहीं रहेगा। और आप यकीन माने, हर इम्पॉर्टेंट काम टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगा। मॉर्निंग मेरी हो जाती है 4:30 पे, तो 4:30 to 7 AM प्राणायाम, मेडिटेशन, बुक रीडिंग 2 से 3 पेज मैं पढ़ती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन्स हमारा ब्रेकफास्ट, और लंच के लिए जो सब्जी दाल हमने खानी है वो भी रेडी हो जाती है। 7 to 10:30 डॉग टाइम, डॉग टाइम में फूड होता है डॉग का और साथ में उसकी वॉक होती है। ब्रेकफास्ट टाइम होता है हमारा लॉन्ड्री और किचन क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग। 10:30 to 11 AM शार टाइम होता है मेरा। 11 to 12:30 मेरा यूट्यूब टाइम होता है, जिसमें कभी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, कभी वीडियो मेकिंग करती हूँ, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। और 12:30 to 2 PM एक्स्ट्रा कुकिंग, जिसमें कि लंच के लिए जो चपाती बनानी है या चावल बनाने हैं, रायता है, सैलड है, वो सब चीज़ें 15-20 मिनट में रेडी कर लेती हूँ। तो लंच टाइम होता है उस टाइम हमारा, डॉग टाइम फिर से, और किचन क्लीनिंग। 2 to 3 PM मी टाइम, जिसमें मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, प्लस बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, चिल्ड्रन टाइम होता है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होता है। 3 to 4 रेस्ट टाइम होता है, यानी कि 1 आवर का नैप लेती हूँ मैं यहाँ पे। 4 to 6 PM टी टाइम है, डिनर रेडी करना है, हेल्प चिल्ड्रन इन स्टडीज़ इफ़ रिक्वायर्ड, तो अगर बेटे को ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट में हेल्प की तो उसको हेल्प करती हूँ, अदरवाइज सेल्फ स्टडी ही करता है। एनी अदर क्लीनिंग और गार्डन वर्क। अगर यहाँ पे क्लीनिंग की बात करूँ तो वीकली क्लीनिंग में जो आती हैं या मंथली क्लीनिंग में, कोई एक क्लीनिंग पकड़ के मैं यहाँ पे उस टाइम पे जितने टाइम में कवर हो सके वो करती हूँ। 6 to 7 PM एक्सरसाइज और वॉक। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं रेगुलरली, उनको पता है कि ये जो मेरा एक्सरसाइज का जो टाइम था ये मॉर्निंग में था 7:30 to 8:30, लेकिन इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है जब से हमने एक डॉग अडॉप्ट किया है, उसके बाद मेरा जो एक्सरसाइज और वॉक का टाइम है वो इवनिंग पे आ गया है। 7 to 7:15 मेरा लिस्ट रेडी करना होता है नेक्स्ट डे के लिए, जो भी मेरी काम की लिस्ट होती है। 7 to 9 PM फिर से डॉग टाइम, एक्स्ट्रा कुकिंग, यानी कि चपातियाँ वगैरह जो बनानी होती हैं वो बनाती हूँ, प्री प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट डे मील और डिनर टाइम। तो 9 to 10 PM किचन क्लीनिंग, फैमिली टाइम, सोशल मीडिया, 1 phone call टू नियर एंड डियर, कोई एक कॉल मैं ज़रूर करती हूँ जिसको भी मुझे करनी होती है। 10 to 11 PM फिर से यूट्यूब टाइम, 11 PM स्लीपिंग टाइम। ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में आपने देखा कि हर काम के लिए टाइम फिक्स है, और मुझे पता होता है कि किस टाइम तक मुझे ये काम ख़त्म करना है। और डेली चोर्स के अलावा इसमें रेस्ट टाइम भी है, मी टाइम, फैमिली टाइम, सोशल मीडिया, हर चीज़ के लिए जगह है। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं जो बहुत बोरिंग होती है, पर मेरा मानना है कि जो लोग अपने दिन को प्लान करते हैं उनके पास दूसरे लोगों के कंपैरेटिव ज़्यादा टाइम होता है, और वो ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, लाइक मी। अगर बेसिक लिस्ट की बात करें तो यही बस नहीं है। इस लिस्ट में जो भी चीज़ें नोट डाउन की गई हैं उसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है उन कामों की जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट होते हैं। वो काम डेली भी हो सकते हैं, वीकली, मंथली या ईयरली भी हो सकते हैं। जैसे कि इंडियन फूड की हर आइटम बनाने में बेसिकली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं
उनको पूरे वीक के लिए प्रिपेयर करके रखना इंक्लूडेड है। इनमें से कौन सा काम आज इम्पॉर्टेंट है वो डेली ड्यूटीज की लिस्ट के साथ ऐड हो जाता है, और उस काम के अकॉर्डिंगली लाइक वो काम दिन में कौन से टाइम में होना जरूरी है, लिस्ट में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अपनी एक्सरसाइज और कुकिंग को प्रायोरिटी में रख के बाकी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती हूँ। इसके अलावा क्लीनिंग की एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें कि रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग, फैंस क्लीनिंग, माइक्रोवेव, चिमनी, मैट्स, क्लोजेट क्लीनिंग, ड्रेसिंग एरिया क्लीनिंग, शू रैक क्लीनिंग, शूज क्लीनिंग, स्कूल बैग क्लीनिंग, टेरेस क्लीनिंग, वाटर टैंक क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ स्टोरेज स्पेसेस, ड्रॉअर क्लीनिंग, वॉशरूम वॉल टाइल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और वॉल क्लीनिंग्स। इसके अलावा हम हाउसवाइफ्स के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट काम होते हैं जैसे कि फीस पे करना, बिल पे करना, ग्रॉसरी लिस्ट बनाना, बैंक वर्क, शॉपिंग, पीटीएम्स। बेसिक लिस्ट सामने हो तो डेली की लिस्ट बनाना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि डेली मॉर्निंग में मेरा प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ मुझे क्या करना है, जैसे कि 10 सूर्य नमस्कार मुझे करने हैं, और पेज नंबर 61-63 जो भी मैंने बुक शुरू की हुई है उसका पेज नंबर लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता रहता है कि मुझे इतने पेज पढ़ने ही हैं। ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, जैसे कि पोहा बना रही हूँ, लंच में चना राइस है, डिनर में आलू गोभी। तो ये लिखा हो अगर मील तो बहुत इजी रहता है इसकी प्रिपरेशन करना भी और इसको जल्दी से बनाना भी। और लॉन्ड्री में लॉन्ड्री आ जाती है कि कपड़े वॉश करने हैं या फोल्ड करने हैं या आयरन करने हैं, तो उसको मैं पहले लिख लेती हूँ कि कल मुझे क्या करना है। तो क्लीनिंग में आता है डस्टिंग, जैसे कि मास्टर बेडरूम की डस्टिंग करनी है मुझे, उसका वॉशरूम क्लीन करना है, सम इम्पॉर्टेंट डस्टिंग, और उसके साथ ही जो एनी अदर डस्टिंग मैंने लिखी थी शाम के टाइम के लिए उसमें मेरी फ्रिज क्लीनिंग है। यूट्यूब में मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हूँ, जैसे एक्सरसाइज है लेग्स वर्कआउट, और लेग्स वर्कआउट में मैं क्या करने वाली हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज के कितने रेपिटेशंस, कितने सेट्स लगाऊंगी, उसकी इस तरह से एक स्लिप रेडी कर लेती हूँ। इसको देख के फिर एक्सरसाइज करना ईजी रहता है। फोन कॉल में मैंशन रहता है कि मुझे कल किसको कॉल करना है, और यहाँ रहती है कुछ सामान की लिस्ट जो उस पर्सन को हैंड ओवर करनी होती है जो ये सामान लेके आएगा। इसके अलावा काम घर का हो या बाहर का, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करने से दिन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। जैसे डेली घर के काम मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर करती हूँ, और बाहर के काम बेटी और हस्बैंड के साथ, क्योंकि बेटी कॉलेज जाती है और हस्बैंड ऑफिस। तो ऐसे कौन से काम हैं जो घर आते वक्त वो करते हुए आ सकते हैं, तो वो भी नाइट बिफोर नोट डाउन कर लेती हूँ और उसकी भी एक कॉपी उन्हें दे देती हूँ। लिस्ट तो रेडी हो गई, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली काम हो पाए उसके लिए बॉडी में एनर्जी का होना भी बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात तो ये है कि अगर हिम्मत करके आपने इस लिस्ट को फॉलो कर लिया तो एक या दो नहीं दिन में काफ़ी ब्रेक्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक या दो घंटे लगातार काम नहीं कर सकती तो खुद भी शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि 25 मिनट्स वॉक टाइम एंड 5 मिनट्स का ब्रेक। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव होते हैं। सो स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने से आपके काम की स्पीड तो बढ़ ही जाएगी, और अगर आप डिजिटल डिवाइस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें तो नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगी। जब तक दूसरे लोग उठेंगे तब तक आप काफ़ी काम निपटा चुके होंगे जिससे आप मोटिवेट होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं लेकिन बनना चाहते हैं, देन यू कैन वॉच माई वीडियो हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि डोंट अलो पीपल और थिंग्स टू डिस्टर्ब यू वाइल यू आर डूइंग योर वर्क। लाइक जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखें, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते रहेंगे एंड यू विल बी फेल टू फॉलो योर टू डू लिस्ट। डेली लिस्ट बनाते वक्त अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानें, काम वही लिखें जो आपको करने ही हैं। अननेसेसरली एक लंबी लिस्ट ना बनाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को टॉप पे लिखें और उन्हें पूरा कर लें, नहीं तो इम्पॉर्टेंट काम कब अर्जेंट बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। शुरू शुरू में अगर कुछ होने से रह भी जाए तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसे नेक्स्ट डे की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और डेली खुद को मोटिवेट करें, खुद के साथ ही कम्पीट करें, हर काम टाइमली कम्प्लीट होने लगे तो स्पीड और भी फास्ट हो जाएगी और हर काम टाइम लिमिट से पहले ही खत्म हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको कुछ तो हेल्पफुल लगेगी। अगर हेल्पफुल लगे देन प्लीज शेयर विद योर नियर एंड डियर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।